राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हॉट सीट्स में से एक बाड़मेर जैसलमेर सीट मुसलसल चर्चाओं में है। हाल ही में बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट और उनकी मदद करने की शिकायत के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस से निष्कासन पर आमिर खान ने तब से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब उन्होंने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होते ही बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से 5 बार विधायक और पूर्व मंत्री आमिर खान को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस से निष्कासन के बाद सोमवार को पहली बार आमिर खान मीडिया के सामने आए और इस दौरान पार्टी से 6 साल के निष्कासन पर उन्होंने कहा कि मेरी उम्र ही 6 साल नहीं बची है, इसमें पार्टी के 6 साल के निष्कासन के आदेश की पालना कैसे होगी। सुनिए आमिर खान ने क्या कुछ कहा। 50 सालों से कांग्रेस की राजनीति की है, कांग्रेस को मजबूत आप लोगों ने किया है और आखिरकार आपको यहाँ पर ये अब उनको जरूरत नहीं है हमारे जैसे आदमियों की। और अब निष्कासन 6 साल के लिए किया है। अब 6 साल मेरी उम्र ही नहीं अब बची है, 85 साल का मैं हो गया, अब निष्कासन के आदेश की क्या हाल होगा। तो क्या कारण रही होगी, आपने कोई एनालिसिस किया कि क्यों किया आपको निष्कासित? बहुत जाट मेरे खिलाफ है इसलिए। सर, आप पे निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन करने के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? वो हमारा पड़ोसी है इसलिए मैं उसका हितैषी तो हूँ। उन्होंने भी कहा कि मौका मिलेगा तो जरूर आप उनका आपका एहसान उतारेंगे, क्या कहेंगे? अब वो एहसान क्या उतारेगा, इंसान का कहने का फर्ज होता है, कहा है उसने। शिव में उपचुनाव होने जा रहे हैं क्या? अब क्या पता होगा नहीं होगा। आपका अनुभव क्या कहता है अमीन साहब? नहीं, मेरा अनुभव बीमार आदमी है, अभी कोई पता नहीं। आमिर खान के निष्कासन के बाद भाटी ने कहा था कि यह उनका प्रेम है कि 50 साल के राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर उन्होंने मेरी मदद की, उनका एहसान है जिसे मैं ताउम्र नहीं भूल सकूंगा, जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनका और उनके परिवार की मदद जरूर करूंगा। अब आमिर खान ने इस पर भी बोलते हुए कहा कि वो क्या एहसान उतारेंगे वो देखेंगे, लेकिन इंसान का धर्म बनता है ऐसा बोलने का तो उन्होंने बोला है। आपको बता दें कि आमिर खान बाड़मेर जिले की विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़।